मैं इस गल का हमेशा धनवादी रहना हरियाणे वाले वीर बैठे ने, मैं हर स्टेज तो कहना भरा नूं भरा दा दर्द हुंदा ही, असीं कट्ठे रहे हां। मैं एक मीटिंग च कहा सी जिथे पहली बारी जमीना खोण की गल हुई, उस मीटिंग च मैं सी, मैनूं इतफाक नाल बुला बैठे जदों कारपोरेट्स ने कहा खेती का ग्रोथ रेट संभाल इंप्रूव करन वास्ते असीं तैयार हाँ इनवैसटमेंट करन लई, पर साडी शर्त है, शर्त यह है भी सानू पांच पांच सत्त सत्त हज़ार एकड़ दे जमीन दे कलस्टर बना के दे दिओ, पंजाह साल लीज ते दे दिओ, ते साडे काम च मालक जमीन दा कोई दखल ना देवे, पैसा असीं ठेके दा खजाने जमा करा देंगे, तुसीं उहनां नूं मालकां नूं ठेका दे दिओ, जे उहनां ने काम करना बतौर मजदूर साडे उत्थे खेतां च काम कर लैण। उदों मैं कह के आया सी वी इक गल याद रखिओ, जिहड़े राह तुसीं तुरन लगे हो ये बड़ा ही खतरनाक रस्ता है, पंजाब और हरियाणे दे लोग इन्हां दी दा सभ्याचार सांझ है, पंजाबी उह सी ना सी पाकिस्तान बनन वेले, मैं जिवें पहलां कीती गल गुजरातियां नूं तां कोई सेक नहीं लगे जदों पाकिस्तान हिंदुस्तान बनिया, इस बॉर्डर ते तुसीं बॉर्डर ते बैठे हो जिहड़े लखां लोग मरे हिंदू मुसलम सिख उह सारे पंजाबी सी, बंगाल दे बॉर्डर ते जिहड़े मरे वह बंगाली ते मुस्लिम सी, हिंदू और मुस्लिम सी, गुजरात वाले तो कोई सेक नहीं लगे, उन्होंने तो थाली च परोस के आज़ादी मिल गई, तो हुण उन्होंने पैर हेठ बटेरा आया। वो कहिंदे ने भी मीटिंग सद के भी खेती च सुधार लियाउणा, इहदे लई इनवैसटमेंट चाहीदी है, इनवैसटमेंट कारपोरेट्स नूं कहा तुसीं कहो करो, वह कहिंदे असीं तैयार हाँ पर साडी शर्त आ है सानू पांच पांच हज़ार एकड़ दे कलस्टर बना के दे दिओ। मैं कहा याद रखियो पंजाब और हरियाणे दे किसानां दा सभ्याचार इको है, जिद्दण तुसीं उहदी जमीन नूं हत्थ पाया जिहदे कोल ढाई किले जमीन है उहदे भी मोढे ते गंडासा होऊ, जिहदे कोल भी किले आ उहदे भी मोढे ते गंडासा होऊ, ना पंजाब ना हरियाणा दोवें तुहाडे वस च नहीं रहिणे। ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆ ਲੜਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਦਸਖਤ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, जे डिसेंटिंग नोट हो फिर तो कह सकते हैं भी मैं विरोध किया, ये तो ऑन रिकॉर्ड होंगी सारी कार्रवाई कैबिनेट की मीटिंग की, कोई डिसेंटिंग नोट नहीं, उदों उन्होंने ये नहीं पता भी आ जड़े बापू ने उठ के खड़े हो जाएंगे, उदों नहीं पता। और फिर हौली हौली आप कहने जब साइकिल चलाते कुत्ते फेल हो जाते, कुत्ते जे फेल कर करके कदे बीबी का इस्तीफा, कदे फिर इन्होंने NDA तो बाहर, फिर हौली हौली मूँह ना चढ़े, पहला सारी उम्र ताकत उन्होंने आनंद माणिया हुआ सी, सिफत की हुई सी, हौली हौली मूँह मोड़िया थोड़ा जा, हाले भी दब घुट के BJP के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, हाले भी वो है आस जी भी शायद किसी वेले फिर समझौता हो जाए। तो तुसी पंजाबियों ने हिम्मत की सब तो पहला इस देश में भी तुसी ये खिलाफ आवाज़ उठाई, अज इहदा तुरा तुसी हो। इस अंदोलन दियां जिते होर प्राप्तियां ने, मैं इहदियां दो तीन प्राप्तियां गिणदा, कानून तां वापस होणगे, ओह हाले होर लड़ाई होएगी, पर प्राप्ति तुहाडी इह है भी जिवें शक दी निगाह नाल तुहानूं सिखां नूं देखिया जांदा सी, अज सारी दुनिया विच तुहानूं इज्जत दी निगाह नाल देखिया जांदा है। बोले सो निहाल, इह कहा जांदा है, इह कहा जांदा है भी आ पंजाबी जिन्होंने एडे वड्डे अंदोलन नूं शुरू करके कारपोरेट्स नाल मत्था ला लिया, सारी दुनिया विच कारपोरेट्स राज करदे ने, पिछे रह के राज करदे ने, दुनिया च दो कंसैप्ट ने अर्थचारे नूं चलाउण वास्ते, अर्थचारा चलाउण वास्ते, देश चलाउण वास्ते, एक कंसैप्ट है कैपीटलिस्ट इकोनोमी का, सरमाएदारी सिस्टम का, जिहड़ा विकसित देशों में अमरीका कनेडा इंग्लैंड जर्मनी फ्रांस इन्हों देशों, एक कंसैप्ट है सोशलिस्टिक पैटर्न
देश नूं चलाउण नूं जित समाजवादी तरीके नाल जिथे सारे बराबर दे भाईवाल ने देश दे सुख साधना च वो साडे देश च है ते जिथे सारे देश दे लोक देश दी संपत्ति दे देश दे साधना दे कुदरत दे बख्शे हुए सोमियां दे बराबर दे भाईवाल सी ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਤੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੇਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੈ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਹਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਭਜਾਤੀ ਦੂਜੀ ਰੈਲੀ ਇਹਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੈਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮਲੇ ਰੰਬਲੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਹਾਲੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਓ ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 58 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅਕਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾ ਇਸ ਮੇਂ ਯੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੀ ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅੱਛਾ
इसमें ये शोध कर देते हैं, तीसरी ये शोध करने, एक लंबी लिस्ट बन गई शोधा की। तो असं क्या भी जे इन शोधा करनिया ने फिर ये भोग है बाद तो एक कहदे वास्ते रखे है चुप रहे। असी सारे कानून एक एक करके सारे एक एक सैक्शन वाइज उन्होंने बहस की और बहस में इन्हों कोई जवाब नहीं सी, साड़ी किसी भी गल का जवाब नहीं दे सके सानू। हुण अजकल वो कहिंदे ने जी ये बेइज्जती बड़ी करते हैं जदों मीटिंग होंदी, हुण तुसीं मैनूं दसो तो केंद्र के मंत्री असी तो सीधे जे जट हाँ, तो है किसी की हिम्मत किसी के अज के सिस्टम केंद्रीय मंत्री के मूहरे उसकी बेइज्जती वाला कोई शब्द वरते? असी क्या हाँ असी सच बोलते रहे हैं, सच उन्होंने बेइज्जती लगता है, असी सच्ची गल उन्होंने सामने रखते हैं, उन्होंने जो बेइज्जती लगता तो उन्हों की इच्छा, पर असी बेइज्जती नहीं सी किसी की करते, अपनी ड्यूटी निभाते। हुण क्लॉज बाय क्लॉज बहस हो चुकी, इस करके तो ये सोधा की गल करते नहीं, इन्हों पहला नहीं सी पता भी असी गलत किया सोधा कर रहे, हूँ क्या याद आदियां ने सोधा। तो अज स्थिति कित्थे खड़ी है, मोदी है तो मुमकिन है, ये बहुत प्रचार किया भी मोदी जो कर दे पिछे नहीं हटता, फिर वो तो पत्थर ते लकीर है। ये जिहड़ी बीजेपी वाले ने धारणा बना ली अपने मन च, उहदे नाल हंकार बहुत हो गया। मोदी और उहदे चेले चपटियां दी तां कोई खैर कोई मुल्ले नहीं, मेनली मोदी दे विच हंकार बहुत है। फिर वो समझते भी लोगों को नहीं पता, तो तुहानू याद होना मैं उही गल्लां रिपीट कर रहा जिहड़ियां मैं आम उत्थे स्पीचेस च करदा। मैनू जिम कार्टर राष्ट्रपति होया अमरीका का, उहदी ईमेल आई, वह ईमेल च की कहिंदा मैं पढ़ के सुनाई उत्थे सिंघू मोर्चे ते, मतलब एक 94 साल का बिरध दुनिया के सब तो ताकतवर देश का राष्ट्रपति रहा, वह मेल करके कहिंदा है भी मेरी 94 साल की उम्र हो गई तो मेरे घरवाली रूजवेल्ट की उम्र होगी 92 साल, मैं इदा का ताना बाणा कदे नहीं देखिया जिदा का दुनिया के डेमोक्रेटिक देशों में लोकराजी देशों च पैदा हो गया। वो कहिंदा है भाई हिंदुस्तान जिहड़ी दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी है, इत्थे डिक्टेटर जम पिया। वो कहिंदा इत्थे दे प्रधानमंत्री ने इन्ना पैसा इकट्ठा कर लिया और कानून भी बना लिया, उहदे कोई हिसाब किताब नहीं लै सकता। वो ये कहिंदा है भी जर्मन विच 6 लाख यहूदी नहीं सी मरदा जे जर्मन दे जिहड़े 60 लाख लोग सी वो आवाज़ उठाउंदे तां। लोग सुते रहे भी चलो हुण साढ़े भी तो इत्थे कहिंदे नहीं, हुण उत्थे जिहड़े बैठे ने बैठे ने, साडी आबादी तो 3 करोड़ है ना पंजाब की, लड़ाई असीं सारे पंजाबियों की लड़ रहे हैं, हरेक का हरेक तो इन्हां कानूनों का असर होना है। 3 करोड़ चों 10% 30 लाख 30 लाख बने, 30 लाख तो नहीं उत्थे कदे जाके बैठे, बाकी सुते ही नहीं ना। चल यार जाया मैं यूनियन वाले दे नाल ही हाँ, कोई नहीं तुसीं जायो मैं नाल ही हाँ, ये साडा सुभा है। और वो कहिंदा भी जे 60 लाख जर्मन दे लोग यहूदियां दे कतलेआम वेले रुके होंदे जदों गैस चैंबर च बंद करके जहरीली गैस नाल मारे गए तां वो 6 लाख लोग नहीं सी मरने। वो चेतावनी दिंदा भी हिंदुस्तान च ऐसी सरकार आ गई जे उत्थे दे लोग सुते रहे तो उत्थे पता नहीं किन्ने करोड़ मरणगे। दुनिया की सब तो वड्डी ताकत दा रह चुका राष्ट्रपति ये गल कहिंदा है। वो कहिंदा है मैनू पता है उत्थे की वर्तारा हो गया, जिहड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया उहदे नाल उत्थे रोज़ MLA खरीदे जांदे ने, MP खरीदे जांदे ने, उहनां दी विक्री मार्केट लगती है, सेल हुंदी है। उन्हें कहा भी जे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बर्बाद हो गई तो दुनिया च डेमोक्रेसी वाला पाठ जिहड़ा बंद चैप्टर बंद हो जाएगा। उन्हें कहा लुको चौकस होवो जागो, असी आ जिहड़ियां करते फिरते हाँ महापंचायत रुलदू सिंह बैठा है, ये भी घर बैठ के आराम नाल रोटी खा सकता है, रोटी तो ये भी बच्चे देंदे ने, बड़े आज्ञाकारी ने, बाकी लीडर बैठे ने सब दे घर रोटी पकती है, असी कहते थोड़े को बार बार आने पिंडा स्नेह दिने, आओ आओ परौल कट्ठे होकर लड़िए। याद रखो जे ना लड़ोगे तो आने वाला तो बच्चों का भविख कोई नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ।
उन्हां दी अख तुहाडी जमीन ते ही नहीं। आ जिहड़े इत्थे शहर च बैठे दुकानदार ने, तुहाडे रिश्तेदार होणगे बाहर, उन्हां नूं पुछ लिओ किड्डे किड्डे माल ने। मेसी का माल 20 एकड़ च छत्या हुंदा, 20 एकड़ ते पार्किंग हुंदी है। तुहाडे गुरदासपुर शहर दीआं सारीआं दुकानां नूं कल्ला ही इक्को मॉल खा जाएगा। वह मल्टीनैशनल कंपनियां ने जिन्हां दा खासा यह है, जदों बाजार च आउंदे ने पहला जिहड़ा उहदे नाल कंपीटीशन च उहनूं मारदे ने, उहनूं खत्म करदे ने, और बजट रखदे ने 500-400 करोड़ रुपये का भी घाटा पाउणा ताकि मेरे मुकाबले ते जिहड़ा खत्म हो जाए। उन्हां नूं 500-400 करोड़ 5-10 रुपये वर्गा हुंदा, एडे एडे पैसे धनी ने हो। ते उह इत्थे जे इक खुल गया, इत्थे साडा जिहड़ा वधिया वड्डी चलदी दुकान है करियाने दी, मैं मिसाल दिन्ना, उहदे 2 बोरियां शायद चीनी दीआं दिहाड़ी च लगदियां। उह जिहड़ा थोक वाला उहनूं कहोगा मैनूं 5 बोरियां भेज दे। जिदन मेसी आ गया, वालमार्ट आ गया, उहने शुगर मिल वाले नूं कहिंदा मैनूं 5000 बोरी भेज दे, 5000 वाले नूं सस्ती मिलू कि 5 बोरियां वाले नूं सस्ती मिलू। जदों सारी उहदे कोल पई आ स्टॉक च, उहने आ के 5 रुपये सस्ती कर देणी उहदे नाल, ते 5 रुपये नाल तुसीं भज के उहदे कोलों लैण जाणा है। जिहड़ा दुकान ते बैठा है ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਜੂ ਦੁਕਾਨ। ਜਿੱਦਣ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਮਾ ਲੂ। ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਜੰਮ ਪਏ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਟਾਟਾਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਜਾਓ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 86% ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ 65% ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 75% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ CACP ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, CACP ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹ ਮਿਥਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੀ ਕੋਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵੱਧੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵੱਧੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਪਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਈ, 1984 ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੁਛ ਸੋਚੇ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜੌਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੌਲ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1986 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਭਾਅ ਮਿਥ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। 86 ਦਾ ਮਤਲਬ 76, ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ ਸੀ, ਅੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਨ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ,
उसके बाद स्वाद जहा पै गया तो खेती का तुम करी गए, उन्होंने अपना पैमाना बदलता। फिर आ पिछे बादल सरकार वेले 2007 च असी एक इदा ही किसान पार्लीमेंट सीधी बादल नू सद लिया। इनू असी कहा भी बादल साहब असी यूनियन वाले सारी उम्र हो गई असी नारे लाउंदियां नू बई किसान नू तुसी लुटदे हो लुटदे हो, एक कमेटी बना दिता जिहड़ी इह स्टडी करे बीमार क्यों हो गई खेती। इन्हें बना दी डॉक्टर घुमण दी चेयरमैनशिप च, एक खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी का अर्थशास्त्री पाता, एक किसान किसान कमीशन चो पाता। वह कमेटी असी कहा कणक झोना नरमा तो गन्ना चार मुख फसलों ने इन्हों स्टडी करो। उन्होंने दो स्टडी की कणक तो झोना, मेरे को हूँ भी गड्डी रिपोर्ट पई है वो 1966-67 तो जब तो भाव बनन लगे ने 2007-08 तक कणक तो झोना स्टडी करके कहता भी इस समय के दौरान सिर्फ पंजाब के किसानों का 687.98 करोड़ रुपया घट भा मित के हर साल केंद्र सरकार ने किसानों गरीबी धक्ता। सरकारी कमेटी सरकारी अर्थशास्त्रियों की, मैं कई बारी बादल नू भी कहा इनू भी कहा भी जे इन्ने पैसे मेरे बैंक च पए होण सारे इन्ने साल जोड़ के तो यह घट्टो घट 5-6 लाख करोड़ बन जाता है। ये पैसे दे दो तो किसानों नू पंजाब दे किसानों दे जुम्मे कोई 1.25 लाख करोड़ रुपई है, सारा 1.25 लाख करोड़ ये दे के 1.25 लाख करोड़ होर दे दो जिहड़ा उन्हां दा तुसी तुहाडी नीति नाल गया ते जे कोई करजे च रह जाए तो मैनू फड़ लिओ। असी किस्मत नू कोसदे आ सानू पता नहीं, और यही वजह है हुण पिछे उठ के तुर गए ना। मैं गल तुहाडी करदा, मेरी तो नहीं कले दी गल तुहाडी है, हाँ साढ़े को इन्ना समा नहीं है भी असी बह के अपनी किस्मत नू फरोलीए समझिए इनू हो की गया, असी खेती बीमार क्यों हो गई, असी घाटे च क्यों जा रहे हैं। सुन कोई कहिंदा जी ब्याहां ते खर्च करदे ने, ठीक है ब्याहां ते नहीं खर्च करना चाहिए पर ब्याहां ते खर्च तो होर भी करदे ने बहुत, जिहड़ा व्यापारी है जिन्हें डेकोरेशन ते खर्च करन दा उन्हां दा साढ़े सारे ब्याह ते नहीं हुंदा। जिहड़े अमीर लोग ने जिन्हां दा होर धंदा है वह इन्ना इन्ना खर्च कर देंदे ने, उन्होंने रवाज समाज के सारिया रस्में ही बदलतियाँ तो सानू तो धी तोरनी औखी हो गई, सानू तो मजबूरी बस धी नू तोरना हुंदा है, मजबूरी बस करजा चक के ब्याह करना पैंदा है। ब्याह इहदा कारण नहीं, शराब मैं कदे नहीं पीती, शराब भी इहदा कारण नहीं, कारण सरकार दीयां नीतियां है। अज उन्हां नीतियां नाल ही तुहाडी जमीन खोण की तैयारी है। सरकार इधर उधर आ जिहड़े पोलीटिकल लोग ने कोई नहीं मूँह खोलदा, मैनू दस्यो किहड़े दी की कंट्रीब्यूशन है जी आ सारे अंदोलन विच, पंजाब दा नहीं सारे देश दा कोई MLA कोई MP वो साडे कोल उत्थे आके बैठिया होवे कहा होवे भी बई या मैनू समझाए दो, जे मैनू नहीं पता मैनू समझाए दो, बैठ समझण वास्ते बैठिया होवे। असी अपने तौर ते इन्हां नू दिंदे आ कागज़ जा जा के भी इन्हां नू पढ़ो, पता नहीं सातों लैके रख दिंदे ने इक पासे, पढ़न की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए भरावो समझो तुहाडी किस्मत जुड़ी हुई है इस अंदोलन नाल। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नाल किसान दा नहीं कुछ बहुता बिगड़दा, आम आदमी बचदा ही नहीं, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करन वास्ते एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनिया सी, पहला भी सी फिर 1955 च उन्होंने ये नाम देता। उहदे च सरकार कोल अधिकार सी भी जे कोई जखीरेबाजी करके जमा करके स्टॉक कीमतां बढ़ा दिंदा बाजार च महंगाई कर दिंदा है, सरकार छापा मार के स्टॉक फड़ सकती सी। पर हुण इन्हां ने जिहड़ा कानून बनाता कोई स्टॉक लिमिट नहीं, जे छापा मारना उदों मारना जदों महंगाई पिछले 5 सालों की औसत दा दुगनी हो जू, 5 सालों की औसत, 1 साल की नहीं, 5 सालों की औसत की दुगनी तो पता नहीं किन्ने सालों जाके हो, तो उन्हें जदों चैक करनगे फिर कहिंदे सोचांगे, ये नहीं है भी छापा मारना है, फिर सोचांगे भी की करना है। तो जे छापा मार लिया स्टॉक निकलिया है वह भी लिखा है, वो देखो फालतू पिया हो स्टॉक, फिर कहिंदे ये देखांगे जिहदे जिहदा स्टॉक है उन्हें किसी ने सौदा तो नहीं किया होया, उहदा सौदा तो नहीं प्रभावित होंदा, उहदा कह देणगे, उहदा कह देणगे भी हाँ जी मेरा सौदा होया होया मैं तो फलाने नूं बेची हुई है,
जिहड़े प्रोसैसिंग यूनिट ने उन्हां कोल ते स्टॉक फालतू पिया है, कहिंदे देखांगे वी उहदी जिहड़ी प्रोसैस करन दी कपैसिटी किन्नी है। वो तो फालतू तो नहीं, जे फालतू है उहदा सौदा तो नहीं प्रभावित हुंदा, तो फिर इहदा मतलब यह है भी फड़ना किसी नूं नहीं, सारी दुनिया नूं लुट के खा जाणे। कारपोरेट्स नूं खुली छुट्टी देती, जिन्ना मर्जी स्टॉक जमा करो, जिन्ना मर्जी लुट्टो, सारे समाज नूं वक्त पा दिओ, तो तुहानूं फड़ना नहीं। इदां दा कानून लाए तो इस कानून का इहदे खातर असीं लड़ रहे हां। इस समाज के हर मुलाजम का दे उत्ते भारू पैण वाला है, हर मजदूर के उत्ते भारू पैण वाला है, हर दुकान पर भारू पैण वाला है, देश के हर वासी के उत्ते भारू पैण वाला कानून है जिहदे लई असीं लड़ रहे हां। तो इस करके मैं कहना, असीं सारे कहने हाँ भी ये जिहड़े कानून ने कल्ले किसानां दी लड़ाई नहीं, इस समुचे देश की लड़ाई है। एक ये भी नहीं, ये भुल जाओ भी ये तीन कानूनों की लड़ाई है। तीन कानून तो 100% यकीन है ये तो असं जितते पे हाँ, कोई दो राय नहीं। पर जेड़ा ये पिछे एक लंबी लिस्ट है कानूनों की रुके हुए ने, ये ब्रेक लगी हुई है। जे अज लड़ाई छड़ दी है ना, जिमें मीह पैंदा हुंदा ऐ डिगण के थोड़े ते कानून आ के जिहड़े तुहानूं खा जाणगे। अज लेबर लाज कहते रुके हुए ने, मेरे तो पहला मेरे साथी कहते 12 घंटे, रुद्र सिंह कहते 12 घंटे दिहाड़ी होगी, कहते रुके हुए ने। आ बापू जिहड़े बैठे ने इन्होंने उत्थे निकलना बंद किया हो तो डरते रुके हुए ने। 1 अप्रैल तो लागू होने से, वो अप्रैल का महीना खत्म होने जा रहा, हाले वो लागू नहीं होए। लेबर लाज सानू होम मिनिस्टर देश का कहता है सरदार जी ऐसा कुछ करो कि इसमें जितने चाहो हम संशोधन कर देते हैं, ये कानून ऐसे बना दो इनमें कुछ भी ना छोड़ो, एक तरफ पड़ा रहेगा लेकिन वापस लेने को ना कहो। ऐसे क्या क्यों ना कहिए, वो कहता हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से लेबर लाज बनाए हैं, अगर आज वापस ले लेंगे तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो मैं क्या फिर जे इन्ने पाप किए इकट्ठे ही गंगा ना लो। मंत्री जी उठ के चले गए, फिर एक मीटिंग च कहंदे ने राज्यपाल जी कुछ ऐसा सुझाव दो जिससे हमारी भी इज्जत बच जाए, आपकी भी मांगे पूरी हो जाए। हुण दसो उहदी इज्जत असीं किवें बचाई है, असीं तां कहिंदे कानून वापस लै लो। किहड़ी बेइज्जती हुंदी है जी, कानून गलती मनुख ते हो जाती है, उन्होंने गलती कर ली, कानून इदां दे बना लो, ये मन लो मानसिकता नहीं भी बीमार, गलती नाल बन गए ते गलती नूं सुधारन विच किहड़ा पाप है जी, जा लै लो वापस। असीं कदों कहने आ, असीं तां नहीं कहिंदे वी तुहाडी इज्जत नूं कुछ होया, कानून वापस लै लो। तो इन्ना कुछ करी बैठे है। मैं तुहानूं सारयां नूं ये बेनती करांगा, जे तुसीं इत्थे हर एक ने तुहानूं कहा हथ खड़े करो, हथ खड़े तुसीं कर दिंदे सी, पर मैनूं सारी उम्र का तजर्बा, मैं 51 साल हो गए किसान यूनियन च तुरे नूं, मैं सारी उम्र का तजर्बा तुहाडे नाल ही डील कर देने, तुसीं साडे विचों आ, मैं तुहाडे विचों आ, मैं सब कुछ समझदा वी तुसीं कित्थे खड़े हो। जिद्दण असीं ये समझ गए ना, सारे ईमानदारी नाल हथ खड़े किते, जिद्दण ईमानदारी नाल हथ खड़े किते, मोदी हिंदुस्तान च नहीं लभना। तुसीं हथ खड़े ही कर दिओ, जानते नहीं। पर एक गल मैं तुहानूं जरूर कह दिंदा, जे हुण इवें हथ खड़े करके इदे बह जाना ना, जिन्हां नूं प्यार करदे हो सवेरे उठ के मूँह चूमदे हो, बच्चों पोतियां नूं पोतियां नूं, जिन्हां खातर तुर कहिंदे हो असीं इन्हां वास्ते जिउंदे हां, तुरे फिरदे हां, इन्हां दे सहारे तुरे फिरदे हां, इन्हां लई करदे हां, उन्हां लई कुछ छड्ड के जाओ, फिर तां तुहाडे मूँह चूमे दा कोई फायदा है। उन्हां लई कुछ छड्ड के जाओ, ये ना होए थोड़े बैठे बैठे आने वाले 10 सालों में सब कुछ सफा चट हो जाए, फिर उन्होंने की दे के जाओगे। देखो एजुकेशन उन्होंने अज टाटाज नूं देती, मैं क्या 100 कंपनी बेचन लगे ने, एजुकेशन का फैसला हो गया टाटाज के हवाले करती। अगले साल स्कूल एजुकेशन ते हायर एजुकेशन उहदे मालिक टाटा होणगे, सिलेबस वह देणगे, तुहाडे इतिहास विचों तुहानूं मटाउण, तुहानूं रखण, इह हुण उहनां दे अधिकार च होएगा।
तुहाडे बच्चों नूं जे एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन का मतलब कल्ला किताबां पढ़ना नहीं, एक वधिया टीचर एक चंगे मिस्त्री का काम करता जिहड़ा दिमाग नूं तराशण का काम करता है, ये तो किवें काम लैना यह सिखाउंदा है। और जदों मनुख नूं ये तो काम लैना आ जांदा जिंदगी दी हर मुश्किल का हल लभ लैंदा है। तुहाडे कोल क्वालिटी एजुकेशन ना रहे, हुण लॉकडाउन च स्कूल बंद,